गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर। ठीक है बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए। अगर एक रे ऑफ लाइट, अगर हम, जिसको आप लोग व्हाइट रे ऑफ लाइट भी बोलते हो, अगर एक रे ऑफ लाइट को हम एंटर करेंगे, इंसिडेंट करेंगे एक प्रिज्म पर, ये होगी इंसिडेंट रे या व्हाइट रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। प्रिज्म क्या करता है, इसको 7 डिफरेंट कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है और रिफ्रैक्ट होके बेटा ऐसे पड़ती है इस रे, ये स्क्रीन पर, इधर देख लीजिए, 7 डिफरेंट कलर्स में निकलती है। और ये 7 कलर्स इस तरीके से होते हैं बेटा, जैसे विब गायर, VIBGYOR। जब एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे प्रिज्म पर, ये रे ऑफ लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिट का मतलब ब्रेक होना, द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ए वाइट रे ऑफ लाइट, या इसको बोलते हैं व्हाइट रे ऑफ लाइट। द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ए व्हाइट रे ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स व्हेन पास्ड थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक व्हाइट ऑफ रे 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना, जब ये व्हाइट रे हम इंसिडेंट कराएंगे प्रिज्म पर, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो ये 7 डिफरेंट कलर्स आ गए स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स सो ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। दीज 7 कलर्स, the name of these 7 colors as per their arrangement, as per their number, can be remembered by the word vib gayer. beta is word se aap log yaad kar sakte ho, theek hai, ye isko bolte hain vib gayer। to आप लोग इससे देख लीजिए, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किस में आ गई, वायलेट कलर में, और सबसे कम ड्यूरेशन आ गई रेड कलर में। वायलेट कलर ड्यूरेट्स मोस्ट व्हाइल एज रेड कलर ड्यूरेट्स लीस्ट। सबसे ज्यादा ड्यूरेट होता है वायलेट और सबसे कम ड्यूरेट होता है रेड कलर, ये याद रखना। आप देखो, ये जो स्पेक्ट्रम आ गया यहां पर, इसमें अगर 7 डिफरेंट कलर्स, इधर देख लीजिए, यहां पर 7 डिफरेंट कलर्स क्लियरली विजिबल है इस स्पेक्ट्रम को, ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच ऑल द 7 कलर्स आर
क्लियरली विजिबल, डिस्टिंक्ट है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोल सकते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम में बेटा क्या होता है, ओवरलैपिंग कलर्स की नहीं होती है, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। अगर कलर्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी, कलर्स की ओवरलैपिंग का मतलब है कलर ओवरलैप करके जाएंगे, कलर ओवरलैप करके जाएंगे, इधर देख लीजिए बेटा, ऐसे कलर्स ओवरलैप कर गए, कलर्स ओवरलैप कर गए ऐसे। जब कलर्स ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे पर आएंगे, एक कलर क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम। जिस स्पेक्ट्रम में ओवरलैपिंग हो जाएगी कलर्स, सारे सात कलर क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बेटा? इम्प्योर स्पेक्ट्रम। अब मैं आप लोगों को बताता हूं काज क्या है, क्यों वायलेट कलर, वायलेट कलर क्यों डिवेट होता है मोस्ट, और रेड कलर क्यों डिवेट होता है लीस्ट। व्हाट इज द काज फॉर डिवेटिंग द वायलेट कलर मोस्ट एंड रेड कलर लीस्ट। ठीक है, ये काज भी हम क्लियर करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा। इसके लिए बेटा याद रखना एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू काचीज फॉर्मूला, काचीज फॉर्मूला, काचीज फॉर्मूला या काचीज फॉर्मूला आप लोग बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू काचीज फॉर्मूला, ये साइंटिस्ट का नाम है, अकॉर्डिंग टू काचीज फॉर्मूला याद रखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आप मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन दी है काची ने, वो रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा फोर प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला दी है काची ने, किस किस के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में। हियर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ये जो ए बी और सी है बेटा दे आर कॉन्स्टेंट्स। ये काचीज फॉर्मूला है विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक फॉर्मूला है जो काचीज ने दी है। अब देखो बेटा, हमने कल प्रिज्म फॉर्मूला की है, प्रिज्म फॉर्मूला में हमने देखा इन केस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म में हमने एक फॉर्मूला निकाली थी कल, अगर याद होगा आपको, ये फॉर्मूला हमने निकाली थी डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, ये फॉर्मूला हमने कल प्रिज्म फॉर्मूला में निकाली थी, ये रिलेशन। अब अगर याद होगा आपको, इधर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ वायलेट कलर की वेवलेंथ आपको पता है वेव गाय, वायलेट कलर की वेवलेंथ मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पढ़ाया है, वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है रेड कलर से। वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज लेसर देन रेड कलर, ये याद रखना, रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा एज कंपेयर टू वायलेट कलर। मगर इधर देखो, ध्यान से समझो, वायलेट कलर की वेवलेंथ ज्यादा, ये कम रेड कलर, जिसकी वेवलेंथ इधर देख लीजिए म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, काचीज फार्मूला के हिसाब से वेवलेंथ ज्यादा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो इसका मतलब हो गया वेवलेंथ वायलेट कलर की कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। दिस इंप्लाइज दैट म्यू म्यू वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड। बेटा इस हिसाब से देख लीजिए, अगर जिस जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। म्यू वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड, म्यू वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड। मगर इस हिसाब से, इस रिलेशन से डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये देख लीजिए। ठीक, इसका मतलब हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी डिवेशन ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी डिवेशन कम। देखो इसका मतलब हो गया वायलेट कलर की डिवेशन डेल्टा वायलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा रेड। इसका मतलब हो गया बेटा वायलेट कलर डिवेट होगा मोस्ट और रेड कलर डिवेट होगा लीस्ट। ये प्रूव करके देखिए इन रिलेशनों से। मैं फिर से समझाता हूं बेटा, आप लोगों ने कल प्रिज्म फॉर्मूला में ये रिलेशन निकाली, लेकिन हमें पता है वायलेट कलर की वेवलेंथ लेसर देन होती है रेड कलर की, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ को। जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन रेड कलर। मगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्यूरेशन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा। इसका मतलब वायलेट कलर की ड्यूरेशन ज्यादा होगी, रेड कलर की ड्यूरेशन कम होगी। ये कहां से निकाला हमने? बाय यूजिंग काचीज फार्मूला एंड प्रिज्म फार्मूला। क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्लियर है? शाबाश। अब हम जाएंगे दूसरे पार्ट में, जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन सेकंड पार्ट, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, देख लीजिए एंगुलर डिस्पर्शन क्या है। आप लोगों ने इसमें देखा, इधर देख लीजिए, अगर मैं ये सारे मिटा दूंगा या अलग डायग्राम बनाएंगे, देखो ये प्रिज्म है बेटा, यहां से व्हाइट रे ऑफ लाइट जाएगी, देख लीजिए। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी निकलती ऐसे। ठीक है, आप समझ लीजिए। लेकिन यहां पर डिवेशन आती है, ये डिवेट करता है, मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये वायलेट कलर है, सबसे ज्यादा डिवेट होता है जो अभी मैंने कराया, और इधर देख लीजिए ये कौन सा डिवेट हो गया, ये हो गया डिवेशन किसकी आ गई, ये हो गया डेल्टा वी, ये डिवेशन आ गई वायलेट कलर की। कितनी डिवेशन, इसको सीधा जाना था लेकिन यहां पर आ गया। और एक है, इधर देख लीजिए, ये आ गई रेड कलर की, बाकी कलर्स इसी के बीच में होंगे। अगर मैं इसको बैकवर्ड करूंगा, ये वाली डिवेशन किसको आ गई, रेड कलर को। देखो
डेल्टा वी आ गई ड्यूरेशन ऑफ वायलेट कलर, रेड कलर की ड्यूरेशन आ गई डेल्टा आर। ये दो कलर्स जो है बाकी, इधर देखो विब गायर, ये जो रेड कलर और वायलेट कलर है ये बेटा टू एक्सट्रीम कलर्स है, ये एक एंड पर है ये दूसरे एंड पर है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम कलर्स, याद रखना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं डेल्टा वी जो है इट इज द ड्यूरेशन ऑफ वायलेट कलर, डेल्टा आर जो है इट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेड कलर। मतलब वायलेट और रेड कलर है टू एक्सट्रीम कलर्स, इसके नीचे कोई कलर नहीं है, इसके ऊपर कोई कलर नहीं है, ये दो एक्सट्रीम कलर्स है। अब देखो एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का मतलब हो गया बेटा डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस, ड्यूरेशंस ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। ये ड्यूरेशन है वायलेट कलर की, ये ड्यूरेशन है रेड कलर की, लेकिन अगर मैं डिफरेंस करूंगा इन दो ड्यूरेशंस को तो हमारे पास बनता है, ये याद रखना, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, और एंगुलर डिस्पर्शन इज डिनोटेड बाय थीटा। शाबाश बेटा, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, दैट इज रेड कलर एंड वायलेट कलर, व्हेन ए वाइट रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन इज डिनोटेड बाय, याद रखना बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन इज डिनोटेड बाय थीटा, और डेल्टा वी जो है डेल्टा वी को बोलते हैं बेटा ड्यूरेशन ऑफ वायलेट कलर, और डेल्टा आर को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेड कलर। रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में जो ड्यूरेशन की डिफरेंस है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक, अब एक्सप्रेशन निकालेंगे या रिलेशन निकालेंगे हम एंगुलर डिस्पर्शन के लिए, क्लियर है? देख लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे पास ड्यूरेशन के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, शाबाश। अगर मैं वायलेट कलर के लिए, फॉर वायलेट कलर, वायलेट कलर के लिए अगर ड्यूरेशन ये रिलेशन लिखूंगा, ये बन गई डेल्टा वायलेट इज इक्वल टू म्यू वायलेट या म्यू वी माइनस वन इंटू ए। ये किसके लिए? शाबाश बेटा, ये है वायलेट के लिए। फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन इंटू ए। ये वायलेट कलर के लिए ड्यूरेशन है, ये रेड कलर के लिए ड्यूरेशन है। दोनों को अगर मैं सबस्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें निकलेगा एंगुलर डिस्पर्शन के लिए रिलेशन। शाबाश बेटा, बता दीजिए, इन दोनों को सबस्टिट्यूट कर दीजिए इस रिलेशन में, थीटा क्या आएगा बेटा? थीटा आएगा डेल्टा वी, डेल्टा वी के बजाय क्या लिखेंगे? म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। क्लियर है? इसको थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे, ये हो गया म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन इंटू ए, ये और ये कैंसल, ये आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक,
ये आ गया थीटा, ये निकल गया हमारे पास रिलेशन किसके लिए, एंगुलर डिस्पर्शन के लिए। क्लियर है बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। और ये याद रखना, एंगुलर डिस्पर्शन जो है ये डिग्रीज में मेजर किया जाता है। द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन इज, या द एंगुलर डिस्पर्शन इज मेजर्ड इन डिग्रीज। और ये याद रखना, जो एंगुलर डिस्पर्शन है ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पर और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स है, एक एंगल ऑफ प्रिज्म और एक नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एंगुलर डिस्पर्शन। क्लियर है बेटा। इसके बाद जो एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिस्पर्सिव पावर। क्लियर है बेटा, देख लीजिए डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी, मतलब इस प्रिज्म की एबिलिटी कितनी है ताकि ये डिस्पर्स कर सके एक वाइट रे ऑफ लाइट को सेवन डिफरेंट कलर्स में, कंस्टेंट कलर्स में, कितनी एबिलिटी है इसकी। इसीलिए द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल इज इट इज एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए प्रिज्म टू डिस्पर्स ए वाइट रे ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। कितनी एबिलिटी है एक प्रिज्म की या एक मटेरियल की कि वो एक वाइट रे ऑफ लाइट को कंस्टेंट कलर्स में डिस्पर्स कर सके, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिस्पर्स ए वाइट रे ऑफ लाइट इनटू कंस्टेंट कलर्स, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, याद रखना। तो लेकिन डिस्पर्सिव पावर जो है बेटा, डिस्पर्सिव पावर को हम अलग तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज, ये याद रखना, डिस्पर्सिव पावर इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिवेशन, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डिवेशन, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डिवेशन। वो क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन हमने अभी किया इससे पहले क्वेश्चन, दैट इज थीटा, एंड मीन डिवेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते। इधर देख लीजिए, द रेशियो ऑफ, मैथमेटिकली द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिवेशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। अब मैं पूरा डिस्पर्सिव पावर आपको बताता हूं। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू डिस्पर्स ए वाइट रे ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टेंट कलर्स। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिवेशन। एंगुलर डिस्पर्शन इज डिनोटेड बाय थीटा एंड मीन डिवेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा। अच्छा, थीटा अभी हमने निकाला, अगर आप लोगों को पता होगा थीटा अभी मैंने आपको बताया, थीटा था डिफरेंस बिटवीन द डिवेशंस ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, डिवेशंस ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। इससे पहले हमने किया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, अभी किया इससे पहले वाले टॉपिक में थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा। मगर डेल्टा किसके बराबर निकाला अभी आप लोगों ने, शाबाश बेटा, ये आ गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर किसके बराबर लाया, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए,
अपान, अपान शाबाश डेल्टा होता है म्यू माइनस वन इंटू ए, ये भी किया है ठीक। ए और ए कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, ये आ गया बेटा एंगुलर डिस्पर्शन के लिए, याद रखना बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। मैंने नहीं, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर। मैंने आपको पहले बताया जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म और मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एक तो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करता है और एक करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर, दो चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये करता है सिर्फ नेचर ऑफ द प्रिज्म पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ये डिपेंड नहीं करता है एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन किस पर, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिस्पर्सिव पावर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करता है। एंगुलर डिस्पर्शन एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये याद रखना बेटा एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर में क्या फर्क है, किस तरीके से रिलेशंस निकालते हैं। इसके बाद बेटा एक आप लोगों ने टॉपिक ये पढ़ा है टेंथ में, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप लोग ये खुद भी कर सकते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्लाउड्स आर व्हाइट, ये चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है ठीक है बेटा, इनको भी डिस्कस कर लीजिए, इनको भी आप लोग देख लीजिए ठीक है। आज का टॉपिक यहां तक, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। थैंक यू।